अब आपको लिए चलते हैं शादी मुबारक के सेट पर। भाई यहाँ पर इस सीरियल में होने वाला है सरोगेसी से जुड़ा हुआ एक ड्रामा, लेकिन उससे पहले क्या ड्रामा हो रहा है ये भी जानना जरूरी है, तो जरा देखिए एक नजर। प्रीति जी को किसी ने किडनैप कर लिया है। बाजार में वो आई थी फूटी से मिलने के लिए, लेकिन फिर अचानक से हुआ कुछ ऐसा कि मानो पूरा सीन ही पलट गया हो। अब चलिए आपको बता देते हैं कि सीरियल में जल्द ही आने वाला है सरोगेसी का ट्रैक, जहां पर ये फैसला प्रीति लेती है। अब प्रीति जानती है कि केटी को बच्चों से कितना प्यार है, लेकिन भाई प्रीति उसे बच्चा नहीं दे सकती है, इसीलिए उसके दिमाग में वो वाली फिल्म आती है। अरे वही फिल्म रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और सलमान खान वाली फिल्म। फिल्म का नाम अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिला देते हैं, ये चोरी चोरी चुपके चुपके। अब कहानी में इस ट्रैक को देखकर लगता है कि सच में इस सीरियल वालों के पास अब कोई भी नई कहानी नहीं बची है। जहां पर प्रीति और केटी के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ट्यूनिंग दिखाई गई थी, वहां पर अब न जाने कहां से सरोगेसी का ट्रैक लेकर आ रहे हैं। अभी तक केटी जी की और मेरी जम ही नहीं रही है, जैसे आप देख रहे हो। तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, केटी जी को डाउट तो फुर्ती पे ही आता है। तो आई होप आगे जाके उनको ऐसे समझ में आए कि भाई मैंने उनको किडनैप नहीं किया है, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। देखते हैं अभी क्या होता है। खैर अब देखना होगा कि जिस ट्रैक का फैसला लिया है वो ट्रैक कितना चल पाता है, क्या दर्शक टीवी पर इस ट्रैक को समझ पाएंगे, या फिर आधी कहानी से ही सीरियल की कहानी फिर से भटक जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।